हर मनुष्य चाहता है कि वो लक्ष्मीवान बने, धनवान बने, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके, स्वयं का मकान हो, घर में खुशियां हो, सुख समृद्धि और शांति हो। पर ये सब कुछ धन के बिना अधूरा है, क्योंकि लक्ष्मी पाना कोई आपका भाग्य नहीं है, बल्कि आपका अधिकार है। अगर आप निर्धन हैं या गरीब पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो यह आपकी गलती होगी, क्योंकि लक्ष्मी कैसे पाई जा सकती है, कैसे धनवान बना जा सकता है, यह हम आपको बताएंगे लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान में। 1 नवंबर 2015 को गाजियाबाद में होगा लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान और 7 तारीख को होगा मुंबई में लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान, जिसमें आप और मैं, हमारा आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के पंडित जी मिलकर हम एक ऐसा अनुष्ठान बनाएंगे जिससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार और हमें देगी आशीर्वाद। तो आप सभी इस विशेष अवसर में सादर आमंत्रित हैं। इसके आने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा। या श्रीं स्वयं सुकृतीनां भुवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां क्रतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतां स्म परिपालय देवि विश्वम्। जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं, मन में उमंग लक्ष्मी जल्द घर आ जाए, सुख समृद्धि और शांति छा जाए, यह कामना करना बहुत सुखद अनुभव देता है, सुखद आभास देता है। दीपावली खुशियों का त्योहार है जिसे हम सभी लोग, सभी धर्म के लोग खुशी खुशी मनाते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम जी, या यूं कहें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 14 वर्ष का वनवास काटकर पुनः अयोध्या आए थे। इसी खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने घर घर दीपक जलाए थे और वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने सीता माता को रावण के चंगुल से बचाकर अभिमानी रावण का वध किया था। इसीलिए यह त्योहार बुराई का अंत तथा सत्य की जीत का प्रतीक है और यह संदेश देता है कि घमंड सदा हारता है, बुराई कभी जीत नहीं सकती और बुरे कार्य का अंत हमेशा बुरा होता है। किसी की मजबूरियों पर ना हंसिए, कोई मजबूरियों को खरीद कर नहीं लाता है। डरिए वक्त की मार से, या डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। अक्ल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बीरबल अक्लमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो और ना ही तुम अपने कंधे पर सर रख के रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसीलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हैं, वो भी दिल से। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, पर जीवन को अमीर जरूर बना देते हैं। तो खुशी से मनाइए, एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे की करिए। बढ़ते आगे, लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, जो कभी एक स्थान पर नहीं रुकती और रुकनी भी नहीं चाहिए। तो उसे स्थायी बनाने के लिए, क्योंकि दीपावली पर्व में लक्ष्मी स्थिर रूप से आती है, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा वह राज जिससे आपकी तिजोरियां भरी रहेगी, अब कभी कमी नहीं आएगी। बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मन मार के कोई काम मत करिए, झगड़े के साथ शुरुआत मत करिए। ये आभास रखिए, विश्वास रखिए कि अब हम लक्ष्मीवान बनेंगे, अब हमारा खुद का मकान होगा, अब हमारे घर में भी सुख सुविधाओं के सामग्री आएगी, अब हम भी कार लेंगे, अब हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अब हम भी अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस राशि वाले जातक को आज के दिन क्या खास करना चाहिए, यानी 11 नवंबर 2015 को महानिशा की रात्रि वाले दिन
उस दिन आपको क्या करना चाहिए। यह राशिफल आपकी नाम राशि पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक आज के दिन पूर्ण रूप से मंत्र सिद्ध दक्षिणावर्ती शंख को लाल वस्त्र में रखकर उनके समक्ष कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ कर तिजोरी में रख दें, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना गया है। क्योंकि एक ही गर्भ में से दो जब संतान पैदा हो तो भाई भाई, बहन बहन या भाई बहन हो सकते हैं। तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उसमें शंख भी निकला था जिसे विष्णु जी का साला कहा गया। उनकी पूजा करिए, लक्ष्मी सदैव रहेगी। वृषभ राशि वाले, आप आज के दिन सफेद वस्त्र में चांदी निर्मित कमल पुष्प लपेटकर उनके समक्ष श्री सूक्त का पाठ करके तिजोरी में रख दें। मिथुन राशि, आप हरा वस्त्र लेकर 5 लक्ष्मी प्रिय कौड़ियां उन्हें डालकर उनके समक्ष गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, फिर वस्त्र को गांठ बांधकर तिजोरी में रख दें। कर्क राशि, आप चांदी के पात्र में श्री गणेश लक्ष्मी सरस्वती युक्त श्रीयंत्र का सिक्का लाइए और उसे रखकर उनके समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, खीर का नैवेद्य भोग लगाएं और सिक्के तिजोरी में रख दें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लाल वस्त्र में 7 गोमती चक्र लेकर उसके सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें और गांठ लगाकर तिजोरी में रख दें। कन्या राशि, आप श्वेतार्क गणपति को घर के मंदिर या तिजोरी में अवश्य स्थापित करें और घर के मुख्य द्वार पर अखंड तेल का दीपक जलाएं और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। तुला राशि, लाल वस्त्र में एकाक्षी नारियल रखकर, जो एक आंख का नारियल होता है, उनके सम्मुख 11 बार लक्ष्मी प्रिय श्री सूक्त का पाठ करें और चमत्कार को अनुभव करें। वृश्चिक राशि, आप सफेद वस्त्र में मोती शंख, उसके समक्ष एक माला मोती शंख रख दे और उसके समक्ष एक माला ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके खीर के प्रसाद का भोग लगाएं, वो मोती शंख को तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। धनु राशि, आप लाल वस्त्र में कुबेर सिक्के को रखकर उनके सामने एक माला ह्रीम ऐश्वर्य श्रीम धन धान्यादि पतये एम पूर्णत्व लक्ष्मी सिद्धये नमः मंत्र का जाप करके कुबेर सिक्के को तिजोरी में विराजमान कर दें। मकर राशि, आप लाल वस्त्र बिछाकर उस पर स्फटिक श्रीयंत्र को, यानी जो क्रिस्टल का श्रीयंत्र बनता है, उनको विराजमान कर उनके सम्मुख लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें व श्री यंत्र को तिजोरी में विराजमान कर दें। कुंभ राशि, आप पीला वस्त्र लेकर उस पर मंत्र सिद्ध कामधेनु गाय विराजमान कर उनके समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला जाप करके उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें। मीन राशि, आप लाल वस्त्र लेकर उसमें सुमेरु पृष्ठ कूर्माकार श्रीयंत्र, क्योंकि लक्ष्मी प्रिय सामग्री आपके घर में होना अति आवश्यक है, उसे रखकर उनके सम्मुख श्री सूक्त का 11 बार पाठ करके उसे उसी वस्त्र में लपेटकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। अब मैं आपको दीपावली की महानिशा रात्रि में संपन्न करने वाली स्वर्णाकर्षण लक्ष्मी शक्ति साधना बताऊंगा, क्योंकि मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और रवीन दर्शकों, यह वक्त है जहां हम रूठी हुई लक्ष्मी को मनाएं। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त अर्थम, यानी जो लक्ष्मी हमें नहीं मिले वो हमें प्राप्त हो और प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल तक संरक्षित रहे, यही कामना हम करते हैं। तो दीपावली के इस महापर्व पर हम यह अलौकिक साधना संपन्न कर अपने जीवन को एक नई राह देंगे तथा भाग्य को बदलकर महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैंने पिछली बार कहा था कि हम गरीब पैदा हो गए, इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब ही रह गए जीवन में, इसमें हमारी गलती जरूर होगी, क्योंकि लक्ष्मी पाना कोई आपके भाग्य के लिए नहीं है, यह सब कुछ आपका अधिकार है। इस अधिकार के लिए हम साधनाओं के पथ पर चलकर उस अधिकार को प्राप्त करेंगे। इस साधना को संपन्न करने के लिए आपको स्वर्णाकर्षण लक्ष्मी सूक्त श्रीयंत्र, स्वर्णाकर्षण विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा, स्वर्णाकर्षण लक्ष्मी युक्त श्रीयंत्र कवच, स्वर्णाकर्षण गुटिका, लक्ष्मी चेटक, लग्न मंडप सुपारी, हकीक पत्थर, स्वर्णाकर्षण पंच रत्न माला व अनार की कलम की आवश्यकता होगी। इन सामग्री को आप पूर्व में ही प्राप्त कर लें।
आप अब यह सोचना छोड़ दीजिए कि हमारे घर में जो जो सामग्री हम उसी से ही साधना करेंगे, क्योंकि एक होता है कर्म जो भावना प्रधान होता है कि आपकी भावना अच्छी है आपने कर्म किया, एक होता है क्रिया प्रधान यानी क्रिया आपको करनी ही होगी। तो क्रिया प्रधान कर्म के लिए आपके पास सारी सामग्री होनी चाहिए। यह साधना आपको सायंकालीन वृषभ लग्न या सिंह लग्न में करनी है, क्योंकि एक बात याद रखिए कि हम जो लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं वो स्थिर लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं यानी स्थायी रहे लक्ष्मी। रोजमर्रा के जीवन में जो लक्ष्मी आती है वो चंचल है, आज जो पैसा आपकी जेब में वो कल आज शाम को किसी और के पास चला जाएगा, यानी वो होना भी जरूरी है। और जो दीपावली पूजन में करेंगे वो स्थिर लक्ष्मी के लिए पूजा करेंगे। तो 24 घंटे में कुल मिलाकर 12 लग्न आते हैं, जिसमें मुख्य दो लग्न है वृषभ और सिंह जो स्थिर लग्न है। उन स्थिर लग्न में अगर स्थिर लक्ष्मी की साधना की जाए तो लक्ष्मी हमारे यहां पर स्थिर रहेगी। तो यह कर्म हमें स्थिर लक्ष्मी के लिए करना है ताकि हमारी और आने वाली पीढ़ी भी इस लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करती रहे। आए दिन हम देखते हैं लोग अपने पूरे जीवन काल में सुख शांति समृद्धि अच्छा स्वास्थ्य बच्चों की अच्छी शिक्षा नौकरी में प्रमोशन व्यापार में वृद्धि ये छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने के लिए न जाने कितने साल यूं ही गुजार देते हैं, पर फिर भी माँ लक्ष्मी की कृपा कुछ लोगों को ही क्यों मिलती है? आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारे कर्म में कोई कमी है? क्या ईश्वर ने हमारे भाग्य में माँ लक्ष्मी की कृपा लिखी ही नहीं? परंतु हमारे गुरुदेव कहते हैं लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है। कहते हैं भाग्य तो लंगड़ा है पर उसे साधना की बैसाखी से चलाया जा सकता है। साधना में वो शक्ति होती है जो पलक झपकते ही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। माँ लक्ष्मी खटखटा रही है आपका द्वार इस पंच महापर्व पर, तो देर किस बात की, आइए और हमारे साथ मनाइए महालक्ष्मी महाउत्सव सुख सौभाग्यदायक पंच दिवस साधना द्वारा। पंच दिवस साधनाओं में पहले दिन यानी धन त्रयोदशी पर संपन्न कर धनवंतरी साधना और पाए व्यापार में वृद्धि तथा जीवन में सुख शांति और अच्छा स्वास्थ्य। दूसरे दिन रूप चतुर्दशी पर संपन्न करें शिव शक्ति साधना और पाए पति की आयु में वृद्धि संकट नाशक एवं ग्रह कलेश से मुक्ति। तीसरे दिन और विशेष फलदायी दीपावली की रात्रि में संपन्न करें स्वर्ण आकर्षण लक्ष्मी शक्ति साधना और घर आंगन में ले आए माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से। चौथे दिन गोवर्धन पूजा पर संपन्न करें अन्नपूर्णा साधना। पांचवे दिन भैया दूज पर संपन्न करें विघ्नहर्ता श्री गणेश साधना। बच्चों की उच्च शिक्षा स्मरण शक्ति तथा श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति में सहायक और भाई बहन के सुरक्षा प्रयोग। दीपावली पंच महापर्व पर सभी साधनाओं को पूर्ण करने के लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर ने सुख सौभाग्यदायक पंच महापर्व साधना पूजन सामग्री को निर्मित कर पूर्ण रूप से मंत्र चैतन्य एवं सिद्ध कर आप सभी साधकों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। संपर्क करें गुरुदेव सुरेश श्रीमाली 19-20A हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर राजस्थान। फोन नंबर 02915190000 और 98290-26625 और 93147-4922। हर मनुष्य चाहता है कि वो लक्ष्मीवान बने धनवान बने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके स्वयं का मकान हो घर में खुशियां हो सुख समृद्धि और शांति हो। पर ये सब कुछ धन के बिना अधूरा है, क्योंकि लक्ष्मी पाना कोई आपका भाग्य नहीं है बल्कि आपका अधिकार है। अगर आप निर्धन हैं या गरीब पैदा हुए हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो यह आपकी गलती होगी, क्योंकि लक्ष्मी कैसे पाई जा सकती है कैसे धनवान बना जा सकता है यह हम आपको बताएंगे लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान में। एक
नवंबर 2015 को गाजियाबाद में होगा लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान और 7 तारीख को होगा मुंबई में लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान, जिसमें आप और मैं, हमारा आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के पंडित जी मिलकर हम एक ऐसा अनुष्ठान बनाएंगे जिससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार और हमें देगी आशीर्वाद। तो आप सभी इस विशेष अवसर में सादर आमंत्रित हैं। इसके आने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि यह दोनों लग्न स्थिर लग्न हैं। इन लग्नों में साधना करने से लक्ष्मी का निवास हमारे घर में सदैव के लिए रहता है। कोशिश करें कि वृषभ लग्न पे घर पे करें और माफ करेगा वृषभ लग्न पे दुकान ऑफिस फैक्ट्री में करें और सिंह लग्न जो अर्धरात्रि को आता है उस टाइम घर पे कर लें, या फिर कोई भी समीकरण आप बिठा सकते हैं, क्योंकि जब व्यापार में लक्ष्मी आएगी तभी तो घर पे आएगी। इसलिए हमें कुछ तालमेल इस प्रकार बिठाना चाहिए। और आप कितने व्यस्त हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनको एक दिन के लिए भूल जाइए। बहुत सारे लोग दीपावली की रात को जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, कई तरह के उल्टे सीधे काम भी करते हैं, वो सब आप मत करिए, क्योंकि नहीं तो वो लक्ष्मी आएगी जरूर साधना करने से, पर वो चली जाएगी क्योंकि कर्म आप उल्टे कर रहे हैं। अब नोट करें कि वृषभ लग्न कब आएगा और सिंह लग्न कब आएगा। वृषभ लग्न 11 तारीख को शाम को 6:05 से 8:01 तक रहेगा और सिंह लग्न मध्य रात्रि 12:33 से 2:50 तक है। सबसे पहले आप स्वर्णाकर्षण घोल का निर्माण करेंगे। उसके लिए आप 1.25 किलो कच्चा दूध, 500 ग्राम दही, 250 ग्राम शक्कर, 50 ग्राम मधु यानी हनी शहद जिसे बोलते हैं, 25 ग्राम घी, इत्र परफ्यूम जो आप लगाते हैं, बढ़िया अच्छी कंपनी का परफ्यूम लेकर आइए या फिर देसी परफ्यूम मिले तो और भी बढ़िया इत्र, 11 इलायची, 1 लग्न मंडप सुपारी, स्वर्णाकर्षण गुटिका, लक्ष्मी चेटक, पंचरत्न को मिलाकर पूरा घोल बना दीजिए। और दिल से करिए, ऐसा करिए कि बस लक्ष्मी 100% प्रसन्न हो जाए। और अच्छे मन से करिए। सर्वप्रथम आप गणेश जी की ही अपने इष्ट देवता को ध्यान करें। पहले गणेश जी की वंदना करें, गणेश जी का ध्यान करें, अपने गुरुजनों का ध्यान करें तथा साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। सिर्फ लक्ष्मी का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्मी आएगी तो फिर चली जाएगी अपने नारायण के पास, तो हमें तो नारायण के साथ ही याद करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें कि आपकी यह साधना निर्विघ्न संपन्न कर सके प्रभु। पूजन के समय आपको एक कर्म करना है जिसमें आप 7 प्रकार का अनाज, दालें चावल आदि सब इकट्ठा कर लीजिए, 7 प्रकार के अनाज ले लीजिए, इकट्ठा करके कटोरी में रखकर पूजन कक्ष में, पूजन शुरू करने से पहले इस यंत्र का निर्माण करें जो मैं यंत्र अभी बताऊंगा। यंत्र के निर्माण के लिए आपको लाल कागज पर अनार की कलम द्वारा पीली स्याही से या पीले कागज पर लाल स्याही से गोरोचन, चंदन, अष्टगंध, कुमकुम कुछ भी लेकर इस यंत्र का निर्माण करना है। यह यंत्र इस वक्त आपको टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस पर कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी है, लेकिन दिल से मेहनत जरूर करनी है। सबसे पहले देखिए, ऊपर आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। एक में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में महालक्ष्मीए, पास वाले बॉक्स में परिवार के सभी सदस्यों के नाम जो एक घर में आप रहते हैं। मान लीजिए आप माता पिता रहते हैं, बच्चे आपके विदेश में रहते हैं, तो आप जो घर में रहते हैं अपना उनका नाम लिखिए और उनके जो बाहर रहते हैं उनके लिए या तो आप दूसरा कागज लेकर स्याही बनाकर उनके लिए कर्म करिए या फिर वो अपने लिए करेंगे। तीसरा जो बॉक्स है उसके अंदर नमः लिखना है, महालक्ष्मी के नीचे 9 लिखना है, परिवार के सदस्यों के नीचे वाले बॉक्स में श्रीम लिखना है और लास्ट में 6 नंबर लिखना है। जहां 9 लिखा है उसके नीचे ओम, उसके पास में 4 बॉक्स बनेंगे, 1, 4, 8 और 7। ये टेलीविजन की स्क्रीन पर आपको आसानी से दिख रहा होगा। और उसके पास में आपको ह्रीम लिखना है और पहले वाले बॉक्स में 3, उसके पास में क्लीम और फिर आपको 2 लिखना है। ये यंत्र का पूर्ण रूप से आपके निर्माण हो जाएगा।
इसे आप आराम से बनाइए, तसले से बनाइए, कोई जल्दीबाजी मत करिए, भागदौड़ मत करिए। यंत्र निर्माण के बाद आप पूजन कक्ष में जहां बैठे हैं उसी के सामने दीवार पर यह यंत्र को चिपका दें। उसके ठीक 11 दिन पश्चात उस यंत्र को वहां से निकालकर या तो घर के मंदिर में रख दें, उसे फ्रेम बना ले, लेमिनेशन कर दें, या फिर उसे अपने तिजोरी, व्यापारिक स्थान कहीं पर भी चिपका दीजिए। इस यंत्र का निर्माण इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आप जो भी कर्म करेंगे वह यंत्र उसका साक्षी होगा, यानी एविडेंस, तथा उसकी जो भी शक्ति होगी उसका सकारात्मक प्रभाव आपको स्वयं मिलेगा और आपकी साधना निर्विघ्न संपन्न होगी। सर्वप्रथम आप मध्य वाले बाजोट, जो आपने पिछली साधना में किए थे, मध्य वाले बाजोट के चारों कोनों में चने की दाल एक एक ढेरी बनाएं तथा उस पर एक एक हकीक पत्थर विराजमान करें और बाजोट के मध्य में हल्दी से रंगे हुए पीले चावल की ढेरी बनाएं तथा उस पर गुलाब के पुष्प का आसन बनाएं। फिर बाजोट के आगे बड़ी परात लेकर उसमें अष्टगंध से श्रीम का चिन्ह बनाएं। दाएं और बाएं वाले दोनों बाजोट पर जो कलश विराजमान कर रखे थे उन्हें भी बाजोट से हटाकर पुनः नया जल भरें तथा नए अशोक के पत्ते तथा नया नारियल उसमें स्थापित करें। फिर बाएं हाथ की तरफ तेल के तथा दाएं हाथ की तरफ घी के दीपक प्रज्वलित करें। फिर परात में लक्ष्मी युक्त श्रीयंत्र व विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा विराजमान करके स्वर्णाकर्षण घोल के द्वारा अभिषेक करते हुए जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं उस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम श्रीम कुबेराय स्वर्णाकर्षणाय मम पूर्णत्व लक्ष्मी देहि देहि ओम नमः। यह अभिषेक कम से कम घंटे सवा घंटे तक तो चलना ही चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करें, बीच में आप ब्रेक भी ले सकते हैं। इस कर्म में यदि आपके लक्ष्मी प्राप्ति से संबंधित सोने चांदी के सिक्के हैं घर में, कोई भी आपने रुद्राक्ष अंगूठियां कुछ भी धारण कर रखी है, यंत्र आपके घर में कोई है, श्रीयंत्र है, चरण पादुका है, दक्षिणावर्ती शंख जो हर घर में होने चाहिए, कमल पुष्प, श्वेतार्क गणपति, एकाक्षी नारियल, जैसे कल्प हो जो लक्ष्मी प्रिय कल्प है उन्हें भी आप अभिषेक वाली परात में रख दीजिए। यदि घोल कम हो जाए तो थोड़ा उसमें आप जल या दूध मिलाकर भी अभिषेक पूर्ण कर सकते हैं। अभिषेक पूर्ण होने के पश्चात श्रीयंत्र, प्रतिमा व बाकी सारी सामग्रियों को शुद्ध जल से साफ करें व बाजोट पर अन्य थाली लेकर उसमें अष्टगंध से श्रीम का चिन्ह बनाकर पुष्प की पंखुड़ियों से आसन बनाएं। फिर उस पर श्रीयंत्र, विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा, लक्ष्मी शक्ति कवच व अन्य कल्पों के साथ ही घर में जो रुपए पैसे हों उसको भी रख दें। फिर सभी सामग्री पर केसर या कुमकुम का तिलक करें, टूटे हुए नहीं हो अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। फिर 1.25 किलो साबुत चावल लेकर उसमें गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियों को मिलाकर इन सभी सामग्री पर थोड़ी थोड़ी चढ़ाते हुए इस मंत्र का जाप करते हुए ऐसा समझिए कि अक्षत और पुष्प का अभिषेक कर रहे हैं। मंत्र क्या है? ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। एक बार मंत्र पुनः नोट करेंगे ताकि कोई गलती ना हो जाए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। अभिषेक पूर्ण हो जाने के बाद नैवेद्य का भोग लगाएं, फिर मां लक्ष्मी का ध्यान इस प्रकार करिए, विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। इस साधना को पूर्ण करने के बाद आप दीपावली के दिन, साधना पूर्ण होने के बाद दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी की पूजा करके मूर्ति का या तस्वीर के रूप में फिर श्री देहली विनायक, लेखनी, सरस्वती, कुबेर, तुला, मान तथा दीपकों की भी पूजा अवश्य करें। बच्चे हैं तो अपनी पुस्तक किताब वगैरह लेकर आ जाए, उसकी भी पूजा अर्चना वहीं पर करिए। आप कोई रखते हैं चीजें उसकी पूजा करिए। दीप मालिकाओं की पूजन करें, आपके इच्छा के अनुसार संतरा, ईख, पानी फल इत्यादि पदार्थ चढ़ाएं। श्री गणेश, महालक्ष्मी तथा अन्य सभी देवी देवताओं को भी अर्पित करें। अंत में अन्य सभी दीपकों को प्रज्वलित कर संपूर्ण घर को दीप मालिका से सुसज्जित करें।
इस क्रम के अनुसार आप स्वयं संपूर्ण लक्ष्मी पूजन करें। लक्ष्मी पूजा के समय घर के सदस्यों व बच्चों व मां लक्ष्मी के साथ फटाखों को छोड़िए परिवार के सहित। मंत्र समाप्ति के बाद आप दोनों हाथ फैलाकर जैसा मैंने कहा मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, मैंने आपकी तन मन व धन से पूजा अर्चना व साधना संपन्न की है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा करें तथा मुझे व मेरे परिवार को संपूर्ण जीवन ऐश्वर्य से जीवन जिए ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य हमेशा बना रहे, मानसिक व शारीरिक कष्टों से हमारी मुक्ति हो सके। यही सारी प्रार्थना करते हुए आपको कर्म करना है। याद रखिएगा दीपावली की रात को लक्ष्मी जी की आरती नहीं करें। आरती करने का अर्थ है कि आपने लक्ष्मी जी को आह्वान किया, उनको बुलाया, और आरती करने का मतलब है कि आप वापस अपने लोक चली जाए। इसलिए आरती दीपावली की रात को नहीं करनी चाहिए। जो करते हैं वो गलती करते हैं। तो ये तो था दीपावली की रात का पूजन का पूरा विधान। यदि आप इस कार्यक्रम को नहीं देख पाए, लिख पाए, सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए हैं तो आप YouTube पर जाकर हमारे दीपावली कार्यक्रम वापस देख सकते हैं। जोधपुर केंद्र सदैव आपके लिए तत्पर है ताकि आप सभी लक्ष्मीवान बन सके। टेलीफोन करिए, सारी सामग्री और सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने संपूर्ण दीपावली पूजन के लिए एक विशेष पैकेट का निर्माण किया है जिसमें पांचों दिन की साधनाएं या अलग अलग साधनाएं आप प्राप्त करना चाहें, सारे कल्प प्राप्त करना चाहें तो अभिमंत्रित करके आपको भेजे जा रहे हैं जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लक्ष्मीवान रहें, खुश रहें, संपन्न रहें, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। इससे पहले एक छोटी सी बात, आगामी 1 नवंबर को गाजियाबाद और 7 नवंबर को मुंबई में होने जा रहा है लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान जिसमें आप सभी भाग लेकर हम और आप मिलकर लक्ष्मी को मनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। हर मनुष्य चाहता है कि वो लक्ष्मीवान बने, धनवान बने, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके, स्वयं का मकान हो, घर में खुशियां हो, सुख समृद्धि और शांति हो, पर यह सब कुछ धन के बिना अधूरा है क्योंकि लक्ष्मी पाना कोई आपका भाग्य नहीं है बल्कि आपका अधिकार है। अगर आप निर्धन हैं या गरीब पैदा हुए हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो यह आपकी गलती होगी क्योंकि लक्ष्मी कैसे पाई जा सकती है, कैसे धनवान बना जा सकता है, यह हम आपको बताएंगे लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान में 1 नवंबर 2015 को गाजियाबाद में होगा लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान और 7 तारीख को होगा मुंबई में लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान जिसमें आप और मैं, हमारा आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के पंडित जी मिलकर हम एक ऐसा अनुष्ठान बनाएंगे जिससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार और हमें देगी आशीर्वाद। तो आप सभी इस विशेष अवसर में सादर आमंत्रित हैं। इसके आने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा। आए दिन हम देखते हैं लोग अपने पूरे जीवन काल में सुख शांति, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, बच्चों की अच्छी शिक्षा, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, ये छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने के लिए न जाने कितने साल यूं ही गुजार देते हैं। पर फिर भी माँ लक्ष्मी की कृपा कुछ लोगों को ही क्यों मिलती है? आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारे कर्म में कोई कमी है? क्या ईश्वर ने हमारे भाग्य में माँ लक्ष्मी की कृपा लिखी ही नहीं? परंतु हमारे गुरुदेव कहते हैं लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है। कहते हैं भाग्य तो लंगड़ा है पर उसे साधना की बैसाखी से चलाया जा सकता है। साधना में वो शक्ति होती है जो पलक झपकते ही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। माँ लक्ष्मी खटखटा रही है आपका द्वार इस पंच महापर्व पर, तो देर किस बात की, आइए और हमारे साथ मनाइए महालक्ष्मी महाउत्सव, सुख सौभाग्यदायक पंच दिवस साधना द्वारा। दीपावली पंच महापर्व पर सभी साधनाओं को पूर्ण करने के लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर ने सुख सौभाग्यदायक पंच महापर्व साधना पूजन सामग्री को निर्मित कर पूर्ण रूप से मंत्र चैतन्य एवं सिद्ध कर आप सभी साधकों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। संपर्क करें गुरुदेव सुरेश श्रीमाली
19-20A हाई कोर्ट कॉलोनी जोधपुर राजस्थान। फोन नंबर 02915190000 और 9829026625 और 93147-4922।